Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of environmental law which I mentioned in our case mat. Case ka naam hai MC Mehta versus Union of India. Ye 1987 ka case hai aur ye jo case hai wo mukhya roop se oleum gas leakage case ke naam se bhi jana jata hai aur ye case absolute liability pe based hai. To ab is case ke fact issue aur judgment pe aate hain. Is case ke fact and issue ye hai ki Delhi ke densely populated area mein Sri Ram industry located hota hai. To MC Mehta इस इंडस्ट्री के क्लोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करते हैं. एमसी मेहता का ये कंटेंशन होता है कि ये जो इंडस्ट्री है वो हजारों सब्सटेंस बनाती है और अगर इस इंडस्ट्री में कभी भी एक्सीडेंट होता है तो इसका बुरा प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ेगा. एमसी मेहता का ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में ही होता है कि इसी बीच इस इंडस्ट्री से ओलियम गैस लीक हो जाती है जिसकी वजह से आसपास के बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ये ऑर्डर देती है कि आप इस इंडस्ट्री को पार्शल ओपनिंग करके रख सकते हैं लेकिन इसके साथ ही आपको नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो करना होगा. ओलियम गैस लीकेज की वजह से जो लोग अफेक्ट हुए थे उनकी तरफ से दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड और दिल्ली बार एसोसिएशन कंपनसेशन के लिए अप्लीकेशन फाइल करती है और ये जो अप्लीकेशन है वो एमसी मेहता के रीट पटिशन के साथ ही अटैच कर दिया जाता है. जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच के पास ये कंपनसेशन अप्लीकेशन आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उनको ये महसूस होता है कि इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 और 32 इन्वॉल्व है, इसलिए वो इस केस को लार्जर बेंच यानी कि 5 जजेस के बेंच को रेफर कर देती है. तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे. सुप्रीम कोर्ट कहती है राइट टू लाइफ के तहत राइट टू क्लेम कंपनसेशन भी इंक्लूड है अगर विक्टिम पॉल्यूशन हजार्ड की वजह से अफेक्ट हुआ हो. दूसरा, अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने के चांसेस हैं तो आर्टिकल 32 के तहत प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए और अगर फंडामेंटल राइट ऑलरेडी वायलेट हो चुका है तो फिर रिमेडियल मेजर्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट रैलन वर्सेज फ्लेचर केस को रिकॉल करती है जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी पर्सन अपने लैंड पे कोई भी हजार्डस सब्सटेंस एस्टेब्लिश करता है और उस हजार्डस सब्सटेंस के एस्केप की वजह से कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसे कंपनसेशन देना होगा. लेकिन इस केस में यह भी कहा गया था कि अगर ऑनर की कोई गलती ना हो यानी कि उसकी कोई फॉल्ट ना हो तो फिर उसे कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि इस केस में नो फॉल्ट लाइबिलिटी यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इवॉल्व किया गया था, यानी कि फॉल्ट नहीं तो फिर लाइबिलिटी नहीं. और इस केस में कोर्ट ने एक्सेप्शंस दिए थे जैसे कि अगर एक्ट ऑफ गॉड हो तो फिर ऑनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. दूसरा, जैसे कि अगर किसी दूसरे ने इंटरवेन कर दिया हो और उसकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट कमिट हुआ हो तो ऑनर की कोई गलती नहीं है. इसका बहुत ही फेमस मैक्सिम है नोवस एक्टस इंटरवेनियन. लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम रैलन वर्सेस फ्लेचर केस के एक्सेप्शंस को एक्सक्लूड करते हैं. यानी कि अगर कोई भी ऑनर अपने लैंड पे कोई भी हजार्डस सब्सटेंस एस्टेब्लिश करता है और उसके एस्केप की वजह से कोई भी एक्सीडेंट कमिट होता है तो उसे हर हालत में कंपनसेशन देना ही होगा बिना किसी एक्सेप्शन के, भले ही उसकी फॉल्ट हो या ना हो. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट नो फॉल्ट लायबिलिटी को एक कदम और आगे बढ़ाकर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट इवॉल्व करती है. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट डीप पॉकेट थ्योरी को इवॉल्व करती है. यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट का पॉकेट जितना डीप होगा यानी वो जितना ज़्यादा अमीर होगा उसे उसी प्रोपोर्शन में कंपनसेशन भी देना होगा. तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. वैसे एमसी मेहता ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं इसलिए एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से बहुत सारे केसेस हैं. तो जब भी आपको एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस सर्च करना हो तो उसका AIR नंबर और SC नंबर ज़रूर चेक कर लें कि ये वही केस है जो आप सर्च कर रहे हैं या कोई और केस है. थैंक्स.